नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस टीम अभिप्सा की तरफ से। मेरा नाम है अभिनव तुषांशु पांडे और हम क्या बातें कर रहे थे, हम लोगों ने पिछली कक्षा में प्रकाश के परावर्तन से जुड़ी बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझा है और अब इसी सिलसिले में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या है। तो जल्दी से पेन कॉपी उठाइए, अपना बिल्कुल ध्यान यहाँ पर रखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें। और आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। तो सबसे पहले आज की चर्चा का विषय है प्रकाश का अपवर्तन। अब ये प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, इसको समझने के लिए हम लोगों ने किस प्रकार के नियम बनाए और उन नियमों की वैधता, हम इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज एक सरल सा उदाहरण है और ये उदाहरण ये है कि एक लड़की है जो कि पानी में भीग रही थी, डूब रही थी। अब उसको जो है इन तीनों दोस्तों ने देखा। इन लोगों का नाम हम रख देते हैं अकबर, बीरबल और चंद्र प्रकाश, ठीक है, या चार्ल्स रख देते हैं। अब होता क्या है कि इन बच्चों में से सभी ने अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से अलग अलग रास्ते अपनाए और हमको ये जानना है कि कौन सफल हुआ। देखिए, ये रेत है और जब आप रेत में दौड़ रहे होंगे तो रेत में दौड़ने में आपकी स्पीड जो है जैसी भी हो, वो पानी में तैरने की आपकी गति से ज़्यादा ही होने वाली है। यहाँ अकबर ने क्या किया, अकबर ने सीधा सीधा यहाँ एक सीधा रास्ता लिया और सीधा रास्ता लेने के बाद में यहाँ जाकर उसने पानी में छलांग लगाई और वो इस रास्ते से गया। बीरबल ने थोड़ा छोटा रास्ता लिया ज़मीन पर, लेकिन फिर भी अभी भी उसकी पानी में जो है रास्ते की लंबाई बहुत कम नहीं हुई है। जबकि हम देखते हैं कि ये जो चार्ल्स है, इन्होंने क्या किया कि ये जो है चार्ल्स ने ज़्यादा लंबी दूरी में दौड़ लगाई रेत के ऊपर और उसके बाद में पानी में इसे सबसे कम तैरना लगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम इनके जो है एक समान चाल की ही बात करें, मान लेते हैं कि ये रेत में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जबकि पानी में प्रति घंटे की रफ्तार से, जबकि पानी में इनकी स्पीड 0.5 मतलब आधा किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है। इस स्थिति से, इस तरीके से अगर हम सोचें तो अकबर ने पानी में बहुत लंबा रास्ता तय करने की ठानी है, वह लड़की को सही समय पर नहीं बचा पाएगा। उसी तरीके से बीरबल ने भी जो रास्ता चुना है उसमें पानी में तैरने की दूरी वो बहुत ज़्यादा है और इसलिए बीरबल भी उस लड़की को नहीं बचा पाएगा। और आखिर में हम देखेंगे कि ये जो चार्ल्स है जिसने वहाँ पहुँचने के लिए पानी का सबसे छोटा रास्ता चुना, वो ही उस लड़की को जाकर बचा पाने में सफल हो पाएगा। इससे हमको सीखना क्या है, इससे हमको ये सीखना है कि पहली बात कि अलग अलग माध्यमों में चाल अलग अलग हो सकती है। अब चाल के बारे में जो है हमको इतनी जानकारी मिल गई, तो अब हम इससे जुड़ा हुआ एक और तथ्य देखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं ये खूबसूरत सी कार कीचड़ में खड़ी है और कीचड़ में जाहिर सी बात है कि इसकी जो है जो भी गति होगी वो कम होगी, किसकी तुलना में, इस शानदार सड़क की तुलना में। अब मैं आपको जो स्थिति बताऊंगा आप उस पर ध्यान दें और आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब ये स्थिति ऐसी है कि मान लेते हैं कि ये गाड़ी कुछ इस प्रकार से आई कि गाड़ी का ये जो सामने का हिस्सा है ये कुछ कोण बनाता है, गाड़ी इस कोण पर आई। ऐसा होने पर गाड़ी का जो है एक पहिया वो सड़क से पहले, सड़क के संपर्क में पहले आ जाएगा, किसकी तुलना में, दूसरे वाले पहिए की तुलना में। अब हम पहिए ए की बात करेंगे जो कि सड़क पर चलने वाला है, तो इसकी चाल पहिए बी की चाल जो कि अभी भी कीचड़ में चल रहा है इसकी तुलना में अधिक होगी। और ऐसी स्थिति में जब तक पहिया बी यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचता है, मान लेते हैं ये दूरी डी वन है, उतने ही समय में पहिया जो हमारा ए है वो थोड़ा ज़्यादा दूरी तय कर सकेगा और ये वाली दूरी हम डी टू मान लेते हैं, क्योंकि अब डी टू का मान जो है डी वन से अधिक है। इसलिए हम देखेंगे कि हमारी ये गाड़ी वो अपने रास्ते से कुछ मुड़कर इस प्रकार दिखाई दे रही है और अब गाड़ी का जो रास्ता है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि हमारी गाड़ी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंच रही है तब दोनों माध्यमों में उसकी चाल में अंतर के कारण गाड़ी का मुड़ना स्वाभाविक है।
इसको उल्टा करके देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी गाड़ी कुछ इस प्रकार से जा रही है और हमारे पास में दो पहिए हैं, फिर से इसका नाम पहिया ए रखेंगे और इसका नाम पहिया बी रख देंगे। अब हम क्या देखते हैं कि गाड़ी की चाल वो सड़क पर ज़्यादा है और ये वाला पहिया ए इसने पहले से ही किसको टच कर लिया है, कीचड़ को टच कर लिया है। तो पहिया ए कुछ समय टी में जितनी दूरी डी चलेगा उतने ही समय में पहिया बी ज़्यादा दूरी तय करके यहाँ तक पहुँच जाएगा। और इस प्रकार हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अब पहिए का मतलब ओरिएंटेशन जो है वो कुछ बदल गया है और अब गाड़ी ऐसे चलने लगी है। तो जो रास्ता पहले गाड़ी के लिए संभव था, मतलब ये गाड़ी लंबवत इसके ऐसा सीधा जाने वाली थी, अब ये गाड़ी मुड़कर ऐसे जाएगी और यहाँ पर भी कोणीय विस्थापन हो गया, कोण में अंतर आ गया थीटा। तो अब हम क्या देखते हैं कि जब कोई गतिशील वस्तु जिसका अलग अलग माध्यमों में उसकी चाल अलग अलग हो, वो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उस समय चाल के अंतर के कारण उसके रास्ते में कुछ बदलाव आ जाता है। इसी बदलाव को यदि हम प्रकाश के मामले में बोलेंगे तो ये घटना कहलाएगी प्रकाश का अपवर्तन। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। ठीक है, आगे देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब माध्यमों में चाल में अंतर के कारण वह अपने पूर्व निर्धारित रास्ते से भटककर दूसरे रास्ते पर पहुंच जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि जिस समय भाई अभिलंब की बात करेंगे तो हम यहाँ पर अभिलंब बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा दोनों सतहों के बीच में अभिलंब है, इसको सफ़ेद में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये अभिलंब है जो दोनों सतहों के मेल पर बन रहा है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि प्रकाश की किरण अपने अभिलंब से या ये गाड़ी अपने अभिलंब से जब ये धीरे चलने वाले माध्यम से तेज चलने वाले माध्यम में, मतलब घने माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तब के केस में क्या होता है कि यह प्रकाश की किरण जो है अपने पूर्व निर्धारित मार्ग से दूर हटती है। जबकि जब कोई कार जो है तेज वाले माध्यम से धीमे माध्यम में जाती है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब वह अपने पूर्व निर्धारित चाल से थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाती है। किस ओर झुक जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ प्रकाश के बारे में भी बोलेंगे और प्रकाश की माध्यम। अब यहाँ देखिए, जब हम हवा की बात कर रहे हैं तो ये हवा कैसा माध्यम है? हवा एक विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब क्या होता है? विरल माध्यम का मतलब होता है जिसमें प्रकाश की चाल तेज हो। जबकि कांच कैसा माध्यम है? कांच सघन माध्यम है। और जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो यह अभिलंब से कुछ और झुक जाती है। ठीक है भाई, पूर्व अभिलंब की ओर झुक रही है। क्या हो रहा है? ये हमारा अभिलंब है, पूर्व निर्धारित रास्ता ये है और पूर्व निर्धारित रास्ते से अभिलंब की ओर झुक कर जो है प्रकाश ने अपना रास्ता बदला। उसी तरीके से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। पूर्व निर्धारित रास्ता ये सफ़ेद वाला होना चाहिए था, लेकिन वह दूर होके इस रास्ते से आ रही है। तो ये हम लोगों को यहाँ पर भी बात समझ में आ गई। अब क्या प्रकाश के अपवर्तन के कोई नियम हैं? तो बिल्कुल हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि हम देख क्या रहे हैं। ये एक कांच का गोला है और इस कांच के गोले में हमको क्या नज़र आ रहा है? ये हम लोगों ने अभिलंब ले लिया और यहाँ से प्रकाश की एक किरण इस प्रकार से आपतित होती है। हम लोग क्या करेंगे कि भाई अगर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो उसका जो रास्ता होना चाहिए था, वो ऐसा हो सकता था, लेकिन हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर प्रकाश की किरण जो है वो थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाती है और इस प्रकार से प्रकाश की रेखा का गमन होता है। इसके बाद में हम एक और अभिलंब यहाँ बना लेंगे
और यहाँ देखेंगे कि पूर्व निर्धारित रास्ता जो था उसको कैसा होना चाहिए था। प्रकाश का पूर्व निर्धारित रास्ता जो है वो ऐसा सीधी, भाई अगर कांच का जो है यहाँ पर माध्यम नहीं आता तो जो है प्रकाश इसी प्रकार से सीधे चली जाती। प्रकाश माध्यम के बदलने के कारण इस बार भी अभिलंब से दूर हटकर, प्रकाश की किरण कैसे निकलेगी, प्रकाश की किरण ऐसे निकलेगी। तो हम लोगों ने यहाँ देखा, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ये एक गोला बनेगा और यहाँ गोले में जो है हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो है लंबवत और यहाँ पर लंबवत ले लेंगे। अब लंबवत लेने के बाद में हमको जो सूत्र मिलेगा वो होगा म्यू, और म्यू का नाम है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक म्यू क्या होता है, प्रकाश के पहले माध्यम में साइन आई, यहाँ साइन आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो आपतित किरण या आपतन कोण बोल सकते हैं साइन आई, और बटा साइन आर जो कि क्या है, साइन आर है परावर्तन का कोण। तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो अपवर्तनांक है वो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। तो ये दोनों चीज़ें समझी हम लोगों ने, अब आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि क्या ये जो है मतलब इसका कोई उपयोग है हमारे जीवन में, क्या हम कोई चीज़ देखते हैं, और उसके लिए हमको यहाँ पर दिखेगा क्या। यहाँ देखिए कि हम लोग एक सिक्का पानी के एक बर्तन में डाल देते हैं और जब वो सिक्का नीचे पड़ा हुआ है तो जब हम उसको ऊपर से देख रहे हैं तब हमको सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। इस घटना को देखने के लिए हम थोड़ा नाम रख देते हैं, इस जगह का नाम, इस बिंदु का नाम ओ रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, और इसका नाम रख देते हैं सी। अब हम जो है अगर यहाँ देखें तो टेन, अब देखिए यहाँ पर जो है ये वाला कोण है कोण आई, और यहाँ पर ये वाला कोण है कोण आर। ये कैसे पता लगाया हम लोगों ने, ये अपवर्तन कोण कोण आर है और ये जो है आपतन कोण आई है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इस तरीके से हम लोगों ने देखा एक अंतर कोण देखा। अब टेन आई, तो टेन आई का मान बताइए, तो टेन आई के लिए हम त्रिभुज देखेंगे ओ ए सी, और टेन का मतलब होता है लंब बटा आधार। यहाँ पर लंब क्या है, तो यहाँ पर लंब दिखाई दे रहा है हमको, लंब है ओ ए, लंब है ओ ए और आधार है ए सी। उसी तरीके से टेन आर में भी फिर से दोबारा लंब बटा आधार, लंब दोबारा से ओ ए है लेकिन इस बार आधार है ए बी। और यहाँ से हम देखेंगे कि यदि मैं टेन आई बटा टेन आर कर दूँ तो यहाँ पर भी मुझे बटा करना पड़ेगा, और ये बटा यहाँ पर ओ ए और ओ ए कट जाएगा, और हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ए बटा बी पूरे का बटा सी बटा डी बराबर ए बटा बी गुणा डी बटा सी। और इस तरीके से ए भी ऊपर चला जाएगा और ए सी नीचे चला जाएगा। इसका मतलब है टेन आई बटा टेन आर बराबर ए बी बटा ए सी। अब यहाँ पर देखिए ए बी क्या है, ए बी जो है यहाँ एच अपेरेंट मतलब कि आभासी गहराई है, ए बी आभासी गहराई है एच आई, या डी आई बोल सकते हैं हम इसको, चलिए डी आई बोलेंगे। तो यहाँ पर ये डी आई है, डी आई है और ए सी क्या है, तो ए सी है डी ओ, डी ऑब्जेक्ट या फिर वास्तविक गहराई। अब हमको क्या नज़र आ रहा है, हमको नज़र आ रहा है टेन आई बटा टेन आर बराबर, आभासी गहराई बटा वास्तविक गहराई। एक चीज़ और जो हमको समझनी चाहिए वो ये है कि यदि थीटा बहुत छोटा है, मतलब टेन डिग्री से भी छोटा है, ऐसी स्थिति में टेन थीटा को हम लगभग थीटा बोल सकते हैं, या फिर हम थीटा को लगभग साइन थीटा बोल सकते हैं। इस प्रकार से हमको मिला साइन आई बटा
साइन आई बटा साइन आर, और इसका मान हो जाएगा वास्तव आभासी गहराई बटा वास्तविक गहराई। लेकिन हमको एक चीज़ और समझनी चाहिए, और वो समझने वाली बात क्या है कि जब भी हम अपवर्तनांक निकालते हैं तो पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम को हम जो है देखते हुए अपवर्तनांक निकालते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या सूत्र दिख रहा है, साइन आई और साइन आर। यहाँ पर जो साइन आई दिखाई दे रहा है हमको, ये एंगल आई जो है वो वायु में है, और साइन आर यहाँ पर जो है ये आर एंगल जो है वो कांच के अंदर है। लेकिन हम इस चित्र में देख रहे हैं तो हमारा साइन आई मतलब ये एंगल आई वो कांच के अंदर की प्रकाश की आपतन कोण है, और आर जो है वो कांच के बाहर मतलब वायु में जो है अपवर्तन है। तो इस प्रकार से हम क्या देखेंगे कि यदि जो है हम इसको इस तरीके से देखना चाहें, यदि हम इसको इस तरीके से देखना चाहें कि अगर मैं बोलूं कि ए म्यू जी मतलब यदि प्रकाश जो है वो वायु से जल में प्रवेश कर रहा है तो ये सूत्र सही है, लेकिन यदि प्रकाश जल से वायु में प्रवेश करे मतलब अगर मैं जी म्यू ए बोलूँगा तो यहाँ पर पहले जो है हमको पहले माध्यम मतलब वायु में प्रकाश की चाल या सी ए लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर अभी क्या है यहाँ पर सी ए और यहाँ पर सी ग्लास है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश जो है ग्लास से एयर में जा रहा है मतलब कांच से वायु में जा रहा है तो प्रकाश की चाल ग्लास में मतलब सी जी और प्रकाश की चाल हवा में मतलब सी ए, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ए म्यू जी ये किसके बराबर है, एक बटा जी म्यू ए के। अब ये जानकारी हमको मिल गई है तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर टेन आई बटा टेन आर या फिर यहाँ पर साइन आई बटा साइन आर ये असल में हमें जी म्यू ए का मान बता रहा है। और यहाँ पर ऐसा है अगर हम लोग ए म्यू जी के हिसाब से बात करें तो ये हो जाएगा ए म्यू जी बराबर अब हो जाएगा वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई एक बटा करने से ये उल्टा हो जाएगा, और यही सूत्र जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि म्यू बराबर सतह से वास्तविक गहराई बटा सतह से आभासी गहराई। तो इस प्रकार से हमने आज के जो है चर्चा में एप्लीकेशन देखा अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के जो है कुछ विशेष उदाहरण देखे। आगे हम और भी चीज़ें समझेंगे, लेकिन मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।